लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब्दुल चाचा, ओ अब्दुल चाचा, साजन बाबा, ये तेरा नाटक अपने को समझ में नहीं आता। तू आदमी है कि जिन भूत, रात भर टैक्सी चलाता है, दिन में कॉलेज जाता है, ये कब तक चलेगा? किसी दिन सर साहब को पता चल गया तो अपना पुराना ड्राइवर होने का भी ख्याल नहीं करेंगे और मुझे शहर से ही निकाल देंगे। ये क्या चक्कर है? अरे मत पूछ अब्दुल चाचा, जो ये चक्कर में पड़ेगा ना वो घन चक्कर हो जाएगा। इतने बहुत से नोट किसी पैसेंजर का खिस्सा काटा है क्या? पेट काट के जमा किया है, मेहनत की कमाई है, मेहनत की। मगर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है साजन बाबू? साजन को जरूरत नहीं, साजन की सजनी को जरूरत है। कर्नल साहब, साजन ने आजकल कॉलेज में आना बिल्कुल बंद कर रखा है। हम लोग तो यही पता करने आए थे कि उसकी एब्सेंट रहने की वजह क्या है। सर, उसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है। नहीं, आपने समझाइए, ये अच्छी बात नहीं है ना। करा दिया तुम लोगों ने। इरादा तो यही था कि तेरे फौजी बाप को तेरी सारी बात बता के तेरा कोर्ट मार्शल करा दें। मगर तेरी किस्मत अच्छी है कि कर्नल साहब घर पर नहीं है। थैंक गॉड। चल अब शुरू हो जा, ए से लेके जेड तक सारी बात बता। चल बता। कौन सी बात यार? अरे तेरी कॉलेज से गायब रहने वाली बात। नाउ कम ऑन बेबी, आउट विद इट। अरे यार कुछ नहीं यार, बस थोड़ा सा बिजी हो गए थे बीच में। अरे बेटा, ये बाल मैंने धूप में काले नहीं किए। 35 अफेयर कर चुका हूँ और 36वां चल रहा है। ये तेवर मुझे लवेरिया के लगते हैं। ए तेरा दिमाग तो ठीक है, यारों से क्या छुपाता है? बोलना कौन है वो, बोल बोल। अपने कॉलेज की है। तेरे एरिया की है? सड़क पे टकराई थी, होटल में मिली थी। ए, तुम लोग यहाँ फालतूगिरी की बात करने आए क्या? अरे नहीं यार, एक बहुत काम की बात याद दिलाने आए थे। आज बुड्ढे का बर्थडे है, अरे यार बहुत बड़ी पार्टी है, और तू अगर नहीं आया ना तो फिर वही होगा जिसकी हम लोग रिहर्सल कर रहे थे। हाँ, यानी के कर्नल साहब से तेरी शिकायत। हाँ। ए बुड्ढे को बोलना आज नहीं, फिर किसी दिन यार। नहीं देख, पार्टी तो आज ही है और तुझे आना पड़ेगा। तू चाहे उसे भी ले आ, सब अपने ही है। हाँ आएगा ना? जरूर। हाँ आएगा। और सुन, याद है ना तेरे को, छोकरी को कोई आड़ी टेढ़ी बात समझाई या कहीं और ले जाने की सोची तो अपुन तेरे को जिंदा जमीन में गाड़ देगा, समझा? चल फोट। जगू, ये लड़का मुझे अच्छे घर का लगता है, अपनी बात पे कायम रहेगा। जा ले जाओ उसे, लेकिन वक्त पे ले आना। वरना मैं रिफिल को तेरे बाप के पास भेजने वाला। अरे क्यों यार? अच्छा मैं तुम्हें काजल। अच्छा अच्छा, तो ये काजल हैं। चलो देख क्या रही हो, आगे बढ़ो, आशीर्वाद लो, चलो चलो चलो। हाँ ये तो करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। ए टेम्पो रिफिल, कम ऑन यार। हाय बेबी। रिफिल हाय। नहीं आपको कम पड़ जाएगा। पार्टी अपनी और ये रात भी अपनी, सो एंजॉय योरसेल्फ। आया अच्छी है ना? हाँ। हाँ।
एक उम्मीदवार इधर भी है योर हाइनेस। यस योर हाइनेस। ये आपके साथ डांस नहीं करना चाहती। क्यों आखिर क्यों? Why not? इसमें आखिर बुराई क्या है? ए महेश क्या लफड़ा करता है यार? तेरी बीवी तेरे साथ है, तू उसका डांस करना। ए केटी संभाल इसे, चलना। ए केटी गेट एसाइड केटी। ए महेश के साथ डांस करेगा। ए महेश तू नशे में है वरना। ए वरना वरना अपने पास रखना। एक वेश्या को साला हमारी पार्टी में लेकर आता है, हमको आंखें दिखाता है, धमकी देता है क्या रे? ए क्या बदतमीजी यार? ये महेश बुड्ढे की पार्टी क्यों खराब करता है यार? अरे साला वो वैश्य बोलता है यार। पार्टी तो साला ये खराब करता है, उस बाजारू छोकरी को इधर लाके क्या रे? अभी और कुछ बोले यार तोड़ डालूंगा। साजन लफड़ा यार ये साली वैश्या वैश्या धंधे वाली, इसे पूछे कहां से आई है? पूछ से। साजन तू कुछ बोलता क्यों नहीं यार? ये कौन है यार? अरे मैं बोलता हूँ मैं, ये साली वेश्या फारस रोड से आई है। ए, बोल बोल आई कि नहीं आई? हाँ ये फारस रोड से आई है। हाँ ये वहां धनराज की बाड़ी में रहती है, मगर ये वेश्या नहीं, ये वहां धंधा नहीं करती। ये उतनी ही मासूम है जितनी कि तुम में से किसी की बहन हो सकती है। तुम्हें यकीन नहीं आता, तुम्हें यकीन नहीं आता कि कोई कोठे में बैठने वाली धंधा नहीं भी कर सकती? बोलो बोलो, तुम्हें यकीन नहीं आता? तुम लोगों को सबूत चाहिए। हाँ तुम लोगों को सबूत चाहिए ना? ये देखो सबूत, ये देखो सबूत, ये देखो मार के निशान। ये मार के निशान नहीं इसके सच्चाई के स्टैम्प से, या सर्टिफिकेट है इसके शराफत के, इसके मजबूरी के, इसके पाकीज़ा होने के। अब भी किसी को पूछना है कि ये कौन है, ये कहां से आई है? पूछो पूछो ना, जवाब दो। चुप क्यों हो तुम लोग? जवाब दो। किसी को कुछ नहीं पूछना, किसी को कुछ नहीं पूछना, मगर मुझे शरीफ ज़ादे से पूछना है कि ये फारस रोड किस लिए गया था? बीड़ी होते हुए धनराज की बाड़ी में किसने मिलने गया था? जवाब दे आराम से। अरे यार ये मेरी कासी को गाली देता है, वो मेरी जान है, और अगर तूने उसके खिलाफ कुछ भी बोला तो मैं तेरी जान ले लूंगा, ये याद रखना। साजन नहीं यार, हमें यहाँ से वापस ले चलो साजन, हमें यहाँ से वापस ले चलो। काजल रोने और सर झुकाने से कोई फायदा नहीं, तुम इन छोटे लोगों से बहुत ऊंची हो। चलो मेरे साथ। Darling, take it easy.